हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे बरबटी की उन्नत खेती। एक अच्छा उत्पादन निकालने के लिए बरबटी खेती कब और कैसे करना चाहिए, और हाँ, फल छेदक एक बड़ी समस्या है फ्रूट बोरर, तो इसकी आप रोकथाम कैसे कर सकते हैं, चाहे वाइट फ्लाई हो, एफिड जैसिड हो, या फिर हरा मच्छर हरा माहू काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है हमारी बरबटी की क्रॉप को, तो कैसे आप रोग बीमारी का कंट्रोल कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं, अच्छी पैदावार निकालने के लिए आपको कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही बात करेंगे दोस्तों, एक अच्छा उत्पादन निकालने के लिए उन्नतशील किस्में वेस्ट वैरायटी के साथ साथ एक एकड़ में कितनी सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, और यदि आप कोई वैरायटी खरीदने में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है तो अमेजोन की लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में जाते जाते दे देंगे। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी साझा करेंगे, क्योंकि बरबटी एक ऐसी फसल है कम से कम लागत, कम सिंचाइयाँ, कम देखभाल, कम स्प्रेइंग, कम खाद पर एक अच्छा मुनाफा आप बरबटी खेती से निकाल सकते हैं, कमाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सिलसिलेवार तरीके से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइमिंग। तो बरसात पर यदि आप खेती कर रहे हैं तो वैसे तो आप जून से जुलाई के मध्य आपको बुआई कर देनी चाहिए, गर्मियों के लिए फरवरी से मार्च, और सर्दियों के लिए एक अच्छे रेट के लिए सितंबर से लेकर अक्टूबर नवंबर के मध्य आप बुआई कर सकते हैं, यानी अक्टूबर के आसपास आप बरबटी की खेती कर लीजिए। एक अच्छा आपको रेट देखने के लिए मिलने वाला है, और इस फसल के लिए एक औसत तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर रहता है काफ़ी ज़्यादा अनुकूल माना जाता है। बाकी आप सभी प्रकार की जलवायु पर, सभी प्रकार की भूमि पर आप खेती कर सकते हैं, लेकिन हल्की से हल्की जो भूमि है, हल्की दोमट है, पीली दोमट भूमि पर भी एक आप अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। बस उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक से दो बार कल्टीवेटर रोटावेटर से ठीक तरीके से आपको मिट्टी को भुरभुरी कराना चाहिए। इसके बाद हैरो है, डिस्क हैरो है, या फिर रोटावेटर से मिट्टी जितनी ज़्यादा भुरभुरी आप कराएंगे, अंकुरण और जर्मिनेशन उतना ही अच्छा होने वाला है। खेत के चारों साइड साफ सफाई रखिए, और जी हाँ, बरसात के दिनों पर आप खेती कर रहे हैं तो खेत पर जल भराव नहीं होना चाहिए। अब अगले टॉपिक के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, उन्नतशील किस्में। तो जो वैरायटी हैं और एक अच्छा उत्पादन देने वाली जो किस्में हैं, नंबर एक अंकुर की गोमती आती है, गोमती को आप लगा सकते हैं। सिजेंटा कंपनी की YV7 है, इसके अलावा NSG लोबिया को आप लगा सकते हैं, लोबिया अंकुर VU5 है, और काशी कंचन जैसी वैरायटी को लगा सकते हैं। इसमें दो ही किस्में ज़्यादा उत्पादन देती हैं, सिजेंटा कंपनी की जो YV7 आती है और अंकुर की गोमती। ये काफ़ी अच्छा उत्पादन इन किस्मों से आप निकाल सकते हैं। एक एकड़ में 2.5 किलोग्राम से लेकर 3 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। यदि आप घर का बीज लगा रहे हैं, घर के बीज की बुआई कर रहे हैं, तो बीज उपचार आप जैसे CM75 से जरूर कर लीजिए। 1 किलोग्राम बीजों को 5 ग्राम फंगीसाइड से बीज उपचार आपको करना चाहिए। इसके अलावा बुआई के समय खाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो जैविक खादों का भी इस्तेमाल करें। गोबर की खाद है, मुर्गी खाद, वर्मी कंपोस्ट है, इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। नीम खली, सरसों की खली, मूंग फली की जो खली है, इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। और साथ ही DAP 40 किलोग्राम, SSP 50 किलोग्राम, MOP 25 किलोग्राम, इनका आपको प्रयोग करना चाहिए। और गोबर की खाद यदि मिलती है तो 2 ट्रॉली बहुत अच्छा उत्पादन दे सकती है, तो इनका प्रयोग आपको ज़रूर करना चाहिए, इससे पैदावार बढ़िया देखने के लिए मिलती है। बरबटी की खेती यदि आप बेड विधि से खेती करते हैं तो जड़ों का अच्छा विकास, ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव देखने के लिए मिलेंगे। जैसे आप आलू की खेती करते हैं ना बेड बनाकर, उस प्रकार बरबटी की खेती करके देखिए, एक अच्छा मुनाफा आपको मिलने वाला है। तो बेड की आपको चौड़ाई रखनी 2.5 फीट, बेड से बेड की दूरी लगभग 2.5 फीट, और बेड की ऊंचाई 10 से 12 इंच के आसपास रखनी चाहिए। यदि आप ड्रिप विधि से खेती करते हैं तो भी काफ़ी अच्छा आपको फ़ायदा होने वाला है। प्लांट डिस्टेंस के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, यदि आप बेड विधि से खेती कर रहे हैं तो आपको एक बेड पर डबल लाइन पर जिग जैग पौधरोपण करना चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी आपको लगभग 2 फीट रखनी चाहिए, और पंक्ति से पंक्ति की दूरी आपको 3 फीट रखनी चाहिए। बुआई आपको 2-2 बीजों की बुआई करनी चाहिए, और यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो 2 से 3-3 बीजों की बुआई करनी चाहिए प्रति गड्ढे पर। पौधरोपण की आवश्यकता नहीं होती, डायरेक्ट फील्ड पर आप बुआई कर
सकते हैं। कुछ ऐसी वैरायटी भी आती हैं दोस्तों जिनकी शाखाएं वाली बरबटी को भी आप लगा सकते हैं। इसकी जो लंबाई है या फिर इन्हीं किस्मों की यदि आप मंडप विधि से खेती करते हैं तो इनकी शाखाएं हो सकती हैं और एक मंडप विधि से भी आप खेती कर सकते हैं, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। इससे भी पैदावार अच्छी देखने के लिए मिलती है, फसल एकदम सिस्टमिक रहती है। तो इस हिसाब से आपको खेती करनी चाहिए। बरबटी की फसल पर हल्की मध्यम हल्की सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है और यदि हल्की भूमि है तो लगभग दोस्तों 8 से 10 दिनों के अंतराल पर, और भारी भूमि है, काली मिट्टी है, काली दोमट भूमि है तो 10 से 15 दिनों के अंतराल पर आपको सिंचाई करनी चाहिए। वीट कंट्रोल के ऊपर अगर बात करें तो खरपतवार नाशक स्प्रे करने की बजाय निराई गुड़ाई सबसे बेस्ट है। निराई गुड़ाई करनी चाहिए, खरपतवार जितने ज़्यादा आप साफ सफाई फसल की केयर करेंगे, निराई गुड़ाई करेंगे, देखभाल करेंगे, उतनी ही अच्छी हमको पैदावार देखने के लिए मिलेगी। बरबटी की फसल पर जो सिंचाई है वो आपको स्प्रिंकलर से नहीं बल्कि ड्रिप एरीगेशन से या फिर फ्लैट एरीगेशन से ही करनी चाहिए। मल्चिंग पेपर भी इस फसल पर लगाई जा सकती है, ज़्यादा वेस्ट है यदि आप मल्चिंग पेपर लगा ही रहे हैं तो 25 माइक्रोन से ऊपर का जो माइक्रोन आता है उसकी मल्चिंग पेपर मत लगाइए, 25 माइक्रोन की ही मल्चिंग पेपर आपको लगाना चाहिए। बाकी आप नॉर्मल तरीके से भी खेती करते हैं, बिना मल्चिंग पेपर से भी एक अच्छा उत्पादन आप निकाल सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप मल्चिंग पेपर लगाएं। कीट प्रबंधन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो हमारी बरबटी की फसल पर लीफ माइनर है, सफ़ेद मक्खी, लेट ब्लाइट है, रस्ट, एफिड जैसिड, फ्रूट बॉरर है, एलोमोजिक वायरस और लीफ स्पॉट के साथ साथ बैक्टीरियल बिल्ट की समस्या और फल मक्खी की समस्या देखने के लिए मिलती है। तो बीमारी तो कई हैं, इनका जो इलाज है, जो उपाय है, यदि हम प्रॉपर स्प्रे शेड्यूल चलाएंगे दोस्तों तो हमारी जो फसल है काफ़ी बढ़िया तरीके से ग्रोथ बढ़वार और जो क्वालिटी है वो प्रभावित क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं होगी, एक अच्छी पैदावार देखने के लिए मिलेगी, वो भी एक अच्छी बढ़वार के साथ। इसके लिए जो फर्स्ट स्प्रे है और जो भी स्प्रे शेड्यूल है वो 15 लीटर की दर से बतला रहे हैं। 25 से 30 दिन के आसपास की फसल होती है बुआई से, तो बायर कंपनी की एंट्राकॉल फंगीसाइड आपको लेना है लगभग 40 ग्राम, सिजेंटा कंपनी की एकतारा इंसेक्टिसाइड 8 से 10 ग्राम, 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा सेकेंड जो स्प्रे है लगभग 45 से 50 दिन के आसपास की फसल होती है, तो इंडोफिल की M45 और कृषि रसायन की 1 इन दोनों को मिक्स करके स्प्रे करना चाहिए। तीसरा स्प्रे 60 से 70 दिन और वहीं फोर्थ स्प्रे 90 से 100 दिन, पांचवा स्प्रे 125 से 135 दिन के आसपास की फसल होती है। तो आवश्यकता अनुसार इन कॉम्बिनेशन का यदि आप स्प्रे करेंगे तो बेहतर से भी बेहतर आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। थोड़ा सा जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं तो ध्यान रखिए दोस्तों कि यदि कीटों का प्रकोप कम है तो अंतर को, गैप को बढ़ा और घटा भी सकते हैं। यदि फसल स्वस्थ है तो ज़रूरी नहीं कि आप एकदम स्प्रे करें, और स्प्रे कर ही रहे हैं तो हल्के रेंज के टेक्निकल वाली जो दवाइयां होती हैं उनका आप स्प्रे ले सकते हैं। तो आवश्यकता अनुसार ही आपको स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए। बरबट्टी की फसल पर स्टिकी ट्रैप लगाने से, फल मक्खी के ट्रैप लगाने से, फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगाने से भी काफ़ी बढ़िया तरीके से कीट कंट्रोल हो जाते हैं। खाद शेड्यूल यदि आप प्रॉपर चलाएंगे तो इसका भी काफ़ी अच्छा और बेहतरीन बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो पहली जो खाद है 25 से 30 दिन की फसल होती है, सेकंड खाद 45 से 50 दिन और वहीं थर्ड खाद 65 से 70 दिन, फोर्थ खाद 95 दिन से लेकर 100 दिन के आसपास की फसल होती है। तो इन खादों को जड़ों से 2 इंच दूर थोड़ा सा मिट्टी को खोदिए, मिट्टी को फैलकर ये खाद दे करके फिर उसके बाद सिंचाई करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलने वाला है। लाइफ साइकिल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो जो बरबटी की फसल है एक तो कम से कम लागत की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती है और एक लंबे समय तक 6 से 7 महीने तक हमको हार्वेस्टिंग देखने के लिए मिलती है। तो बरबटी की खेती यदि आप करते हैं तो बड़े आराम से आप ये मान लीजिए 6 महीने तक तो आप एक अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं, एक अच्छी कमाई कर सकते हैं। प्रोडक्शन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो देखिए जहाँ जो नॉर्मल किसान भाई हैं वो परंपरागत तरीके से जो खेती करते हैं ना 100 से 120 क्विंटल ही पैदावार निकाल पाते हैं, लेकिन आधुनिक तरीके से बताए गई बातों को आप फॉलो करते हैं तो 200 से 250 क्विंटल एक एकड़ से पैदावार आप निकाल सकते हैं। बाजार भाव यदि आप अंगेती बरबटी की खेती भी करते हैं तो 15 रुपये से लेकर एक एवरेज जो रेट है ना 15 रुपये से लेकर 40 रुपये
प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलता है। लागत एक एकड़ में 20,000 से 25,000 रुपये के आसपास लागत लगने वाली है। मुनाफा के ऊपर बात करते हैं तो सभी लागत को काटकर आप एक एकड़ बरबटी की खेती से लगभग 2.5 लाख रुपये के आसपास कमाई कर सकते हैं। तो बरबटी एक ऐसी फसल है दोस्तों जो कि कम समय पर कम लागत पर हमारे किसान भाई इस खेती से बरबट्टी की फार्मिंग से काफ़ी अच्छी कमाई कर सकती हैं। अब जानकारी जो है ना पूरी जानकारी साझा की, फिर भी आपके मन में कोई डाउट्स हैं, कोई भी सवाल हैं, कोई बातें हैं तो कमेंट सेक्शन खाली, उसका रिप्लाई बहुत जल्द मिल जाएगा। अब कुछ ऐसी वैरायटी हैं, कुछ खाद दवाई हैं जो उपलब्ध आसपास यदि नहीं हैं, देखिए हैं तो खरीद सकते हैं, और यदि कोई खाद दवाई उपलब्ध नहीं है तो अमेज़ॉन की लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप वहां से भी जाकर बाय कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी प्रकार एक और इन्फॉर्मेटिव एग्रीकल्चर संबंधित वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।